नमस्कार, आप सभी का मैं पूजा यादव JS24 न्यूज में स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोविड-19 की सुरक्षा के साथ देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवगढ़ नगर में बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर पूरी तरह देखा गया। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करवाया गया। महामारी कोरोना वायरस का असर पूरी तरह देखा गया। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करवाया गया। साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर प्रवेश करवाया गया। सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा गया। देवगढ़ नगर में स्थित कुंज बिहारी मंदिर के पुजारी अक्षय कुमार सांचीहार ने बताया, 150 साल प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर है और यह उत्सव इस स्मारक का सबसे बड़ा उत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर ठाकुर जी का मंगल आरती के बाद दूध दही शक्कर और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया गया। उसके बाद ठाकुर जी का तिलक लगाकर अर्पण आदि से श्रृंगार किया गया। कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया, जिसको लेकर मंदिरों में इक्के दुक्के श्रद्धालु ही नजर आए। शाम को जागरण के दर्शन हुए और देर रात को ठाकुर जी का अभिषेक करने के बाद थाट बाट से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो देख नहीं आला। ये श्री कुंज बिहारी की मंदिर देवगढ़ कई 250 साल पुराना मंदिर, यहाँ ये उत्सव स्मारक में सबसे बड़ा उत्सव जन्माष्टमी का अन्न उत्सव का केंद्र था। सवेरे ठाकुर जी के भव्य पंचामृत बड़े पंचामृत जो साल में एक दफे ही होते हैं, वो पंचामृत हुए। पंचामृत के बाद श्रृंगार, भारी श्रृंगार रहते हैं। श्रृंगार के बाद तिलक नौछावर वो सब। अभी जागरण के दर्शन खुले हुए हैं, फिर रात्रि को 12 बजे जन्म के पंचामृत जो जन्माष्टमी के मुख्य पंचामृत है वो दर्शन होंगे। कल ठाकुर जी के नंद उत्सव होगा, लाल बढ़ाएंगे, दही दूध का छिड़काव होगा और भव्य आनंद ठाकुर उत्सव मानेगा। कोविड-19 जैसे महामारी में किस प्रकार की सुविधा कराएंगे? एक तो मास्क के लिए बोला है कि भाई मास्क लगा के ही आओ। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग को वो भी मतलब कि उसका भी पालन किया जा रहा है। भीड़ को चलते हुए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं, भीड़ को रोक के नहीं रख रहे हैं। ये महामारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी समेटा जाए। कई जगह राजी द्वारा सभी बंद पड़े हुए हैं, ठाकुर जी कृपा करे ये बीमारी जल्दी से जल्दी।